अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपारे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आप सबको वेलकम कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर के रिव्यू के साथ साथ हमारी कोशिश है कि आपको LEDs के बारे में भी कंप्लीट गाइड किया जाए। इससे पहले LG का इंपोर्टेड सीरीज़ का आपको करा चुका हूँ। इंपोर्टेड सीरीज़ का ही पैनासोनिक जो ओरिजिनल आता है कंपनी का पैनासोनिक, वो भी एक हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल अवेलेबल है, तो सोचा इसका भी आपको जो है रिव्यू करके दे दे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, फंक्शन क्या है, और जो फेक और ओरिजिनल है उसकी पहचान क्या है। तो इसकी ज़रा आज हम आपको रिव्यू कराएंगे, देखेंगे कि इसके क्या कौन कौन से फंक्शन हैं, और ये जो है जो पैनासोनिक या सैमसंग या सोनी के नाम से जो फेक LEDs आ रही है या जो चाइना की बाड़े की LED आती है, इनमें और इसके अंदर इसकी क्वालिटी के अंदर क्या फ़र्क है, तो इसको आज हम जो है कंप्लीट आपको इसका रिव्यू कराएंगे, कंप्लीट आपको सारे फंक्शन इसके बताएंगे। तो अनबॉक्स तो ऑलरेडी हमने इसको कर दिया है, अब इसका एसेसरी बॉक्स हम पहले देखेंगे। ये मॉडल नंबर के ऊपर अगर आप नीचे से फोकस कर ले, ये आप नेट से निकाल सकते हैं, F336 ये जो है ना इनका कंपनी का मॉडल है। इसके अंदर जो आपको एसेसरीज मिलती है वो क्या क्या है पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। इसका ये बॉक्स निकाल के, एसेसरी बॉक्स जो है ये निकाल के आपके साथ ये शेयर करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर मिलता है। तो रिमोट, ये तो ऑब्वियस बात है, फुल फंक्शन के साथ जो है इसका रिमोट है, बड़ा हेवी। इसके बाद वारंटी कार्ड इसके साथ आ जाता है, कंपनी का जो वारंटी कार्ड है ये इसके ऊपर मंजूर शुदा जो सर्विस सेंटर है इन सब के जो है वो नंबर्स लिखे हुए हैं। 12 माह की वारंटी है इसकी, इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद आ जाता है जी, इसके साथ दो लीड आ जाते हैं, पावर लीड भी आ जाता है और सिंपल भी। एक तो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, ठीक है जी, और एक जो है ये 3-पिन शू भी इसके साथ आ जाए, एक 2-पिन शू आ रहा है, एक ये फ्यूज वाला 3-पिन शू आ रहा है। अगर आप कहीं पर उसको 3 पिन पे लगाना चाहें तो आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो है ना प्रोडक्ट के बाद इन्होंने जो है वो सारी चीजें इसके अंदर रखी हुई है कि क्या क्या जो है इसके अंदर चीजें, एनर्जी एफिशिएंसी क्लास जो है इसका ए है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके ऊपर मेंशन है, सारी क्वालिटी इसके ऊपर इन्होंने आपको बताई है कि क्या क्या चीजें इस LED के अंदर ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये तो खैर ऊपर वाला जो स्टिकर है मॉडल का कि आप इसको LED के ऊपर कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ये इसके साथ आ जाता है जनाब इसका जो बुकलेट है, इसके अंदर एक एक करके सारी मालूमात पैनासोनिक कंपनी की तरफ से जो है इन्होंने लिखी है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से फंक्शन है, अरबिक में भी है, इंग्लिश में भी है, आप कौन सा जो है पढ़ सकते हैं इजीली, आपको जो भी आसानी है तो आप उसको पढ़ के तो आप अपने LED का मसला जो है ना वो हल करवा सकते हैं। तो ये तो था इसका एसेसरी बॉक्स, इसके अंदर ये चीज़ें आपको जनाब मिल रही है। अब इसको जो है ओपन भी करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर मजीद क्या क्या जो है। तो अगर यहाँ से आप इसको देख लें, ठीक है, तो नज़र आपको आ रहा होगा, ठीक है जी, ऑडियो सिस्टम इसका ऑब्वियस बात है ज़्यादा है, नैरो बेजल के साथ है, इधर से बहुत जो है बारीक इन्होंने बनाया है। अब मजीद जो है इसको ऑन करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर जो है फंक्शन क्या है, इसके पिक्सल्स कितने हैं, क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर LED के ऊपर इन्होंने जो है यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा है कि कहाँ से ये आता है, ठीक हो गया जी। मेड इन ऑल, ऑब्वियस बात है कि ये सारी चीज़ें आजकल चाइना में बन रही है, ठीक है, लेकिन पैनासोनिक मार्केटिंग मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, ये मतलब आप ये जहन में रख ले कि बनती तो आजकल दुनिया की हर चीज़ चाइना में बन रही है, बट ये है कि ये कंपनी की पैनासोनिक कंपनी की ही आइटम है। तो अब इसको जो है हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि मजीद इसके अंदर क्या क्या जो है फंक्शन है। LED को आप देख सकते हैं यहां से, अब ये ओपन हो जाएगी, USB के थ्रू भी आपको इसको चेक कराएंगे, कोशिश करेंगे कि USB के थ्रू आपको चेक कराएं ताकि इसके रिजल्ट का भी आपको जो है बता सके कि रिजल्ट इसका जो है कैसा है। यहां से आप इसको देख सकते हैं, जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास सोर्स का बटन आ जाता है,
ठीक है। एलईडी के अंदर आपके पास सोर्स का बटन होता है या ऑप्शन का बटन होता है, ठीक है, ताकि आप जो है अपने एलईडी को किस ऑप्शन के ऊपर आप लगाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इनपुट जो है टीवी और एवी के ऊपर अगर आपने इसको लेके जाना है तो ये यहाँ से आपका टीवी पे चला गया। इसमें डीटीवी का ऑप्शन भी है, जो डिजिटल चैनल है, अगर आप केबल इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका जो है वो चलेगा इसके साथ। एवी का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। डीटीवी का ऑप्शन है, एटीवी का ऑप्शन है, एवी का ऑप्शन है, ये डीटीवी भी है, डिश टीवी जो डिश के चैनल है, बगैर किसी, आप अगर इसके साथ एक वो जो छतरी होती है वो उसके साथ लगा देते हैं तो बगैर रिसीवर के, रिसीवर इसके अंदर फिटेड है डीटीवी का, तो ऑलरेडी ये आपका बेहतरीन चलेगा। इसके साथ साथ दो HDMI इन्होंने पोर्ट रखे हैं लैपटॉप के साथ, या वीडियो शेयरिंग अगर आप करते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। यूएसबी का इन्होंने रखा है जी, यूएसबी को हम खोल के देखते हैं कि हमारे पास यूएसबी के अंदर कोई ऐसी फाइल है जिसके का रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है, तो वो इसको चला ले तो पता चले कि इसका रिजल्ट कैसा है। इसके अंदर मूवी के ऊपर इसको मैंने ऑन करना है, इसके ऊपर कोई मैं 1280 पिक्सल का कोई भी जो है एक वो प्ले करता हूँ, देखता हूँ कि इसको ये कैसे वो करता है। 1080 पिक्सल का ये तो कोई कोई कार्टून टाइप अगर हमें मिल जाए इसके अंदर तो आपको बड़ी आसानी के साथ जो है इसके रिजल्ट का पता चल जाएगा कि ये जो है ये शायद हो सकता है। यहां से आपको इसके रिजल्ट का अंदाजा होगा, आवाज का भी अंदाजा यहां से आपको हो जाएगा। इसके ऊपर हम कोई ऐसी चीज नहीं चला सकते, ठीक है जी, कॉपीराइट का इशू होता है, मसला होता है हमें कॉपीराइट का, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ है ये आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये डेमो है, एज अ डेमो हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको रिजल्ट, ठीक हो गया जी। यहाँ से आपको रिजल्ट का अंदाजा हो सकते हैं, आपको मैं जरूर बाकी भी चीजें इसके ऊपर दिखाता, लेकिन मसला आ जाता है कॉपीराइट का, यूट्यूब उसको जो है फिर नहीं करता इन चीजों को, तो हमारी कोशिश है कि आपको बाकी इसके अंदर जो है अगर आप इसकी वॉटेज की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, अगर इसकी बाकी चीजों की आप बात करें, वॉटेज की ऑलरेडी आपसे हमने जो है डिस्कस कर देते हैं। यहां से अगर आप इसको देख ले जैसे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी, इसके ऊपर आप फोकस करें, 60 वाट का है टोटल, इधर से आपको नजर आ रहा होगा, यहां से आप इनको फोकस कर ले, इधर टोटल 60 वाट का जो है एलईडी है, तो ये बड़ा इजीली आपका जो है ये चल सकता है। यहां से इसका ये HDMI का एक पोर्ट ये वाला है, एक ये वाला है, इसके साथ आप हेडफोन भी लगा सकते हैं, एंटीना इन यहां से आप इसको कर सकते हैं, डिश का अगर आपने कोई केबल यूज करना है तो इसके अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। एवी ऑडियो वीडियो का आप इसके अंदर कर सकते हैं। यूएसबी का जो फंक्शन है वो यहाँ पे है इसके अंदर, ये आपको नजर आ रहा है, बड़ा इजीली जो है आप इसको जो है चला सकते हैं। F336 इसका जो है मॉडल नंबर है, 1280 पिक्सल की ये एलईडी है, आप इजीली इसके ऊपर कोई भी 1280 जो है पिक्सल की कोई भी पिक्चर इसके ऊपर इजीली आप चला सकते हैं। मॉडल नंबर आपके साथ हमने शेयर कर दिया है, फंक्शन आपको बता दिया है, ये सिंपल एलईडी है, ये स्मार्ट टीवी नहीं है। बाकी इस रिमोट के अंदर आपको सारे फंक्शन इसके नजर आ रहे होंगे, कंपनी की तरफ से जो एसेसरीज आपको मिल रही है वो भी ऑलरेडी हम आपको जो है बता चुके हैं कि क्या क्या चीजें हैं। 1 ईयर की इसकी वारंटी भी है, इनकेस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप कार्ड के ऊपर मौजूद किसी भी सर्विस सेंटर से आप रब्ता कर सकते हैं, हमें भी आप बता सकते हैं। ऑनलाइन अगर इसको आप चेक करें तो ये तकरीबन 30,000 से ऊपर एलईडी ये लगी हुई है, 31,500 का कई शो उसके ऊपर मैंने खुद अभी चेक किया है तो लगा है। हमारे पास ही यहाँ पे आपको 28,000 में 28,000 रुपए में हम आपको दे रहे हैं, 28,000 रुपए में विद डिलीवरी इन पिंडी इस्लामाबाद आपको जो है दे रहे हैं। वी आर होपफुल के ये जो TCS है ये जल्दी से ओपन हो जाए, तो फिर जो बाकी शहर है बाकी सिटीज में भी हमारी कोशिश होगी कि आपको वहां पे भी डिलीवरी करके दे दें। थैंक यू सो मच।